हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजू हलवाई। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बाजार जैसे खास्तेदार समोसे। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि बाजार जैसे किस तरह से बनाना है कि आपका समोसा बनेगा और बनाना है। इसके लिए हम 5 सीक्रेट बताएंगे आपको। चलिए हम वीडियो चालू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बाजार जैसे समोसा बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हरी मिर्च इसको कूटना है खलमुसरे में, आधी कूटा हुआ जितने कूट के दीजिएगा तो आपका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आदि और हरा मिर्च इसको अच्छे से कूट लेना है हमदस्ते में। कूटा हुआ का बात ही कुछ और है। जितना अच्छा से कुटाएगा और आपका समोसा में टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अक्सर बाज़ार में जो बिकता है समोसा, इसी तरह से कूट के हमदस्ते में आदि कच्चा मिर्चा को एक साथ में कूटते हैं तब बनाते हैं। कद्दू कद से भी कस के कर दे सकते हैं, या तो आप दरदरा पीस के मिक्सी में भी डाल सकते हैं। न सबसे बेस्ट है खलमुसरे में आप कूट ले अच्छे से। इसको अच्छे से कूट लेना है इस तरह से बढ़िया से कि आपका अच्छे से आधी और कच्चा मिर्चा बढ़िया से पेस्ट हो जाए, बढ़िया से महीन दरदरा हो जाए। और आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, इस तरह से आप कूट ले। देख सकते हैं हमारा आधी और हरा मिर्च कुटा चुका है। इस तरह से इसको सारा निकाल लेंगे एक बर्तन में, सारा निकाल लीजिए। अब मसाला हम आपको बना के दिखाएंगे किस तरह से मसाला बनाना है। देख सकते हैं आलू उबला हुआ है, अब हम इसका मसाला बनाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट, और किस तरह से बनाना है मसाला आपको दिखाएंगे। 1 से 1.5 kg आलू है, छिला हुआ है और उबला हुआ है, देख सकते हैं। इसको आपको दिखाएंगे मसाला बनाते हुए। मसाला बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा लें। कढ़ाई चढ़ाने के बाद तेल डाल दें इसमें। 100 ग्राम सरसों तेल चढ़ा डाले हैं हम, देख सकते हैं। तेल को अच्छे से पकने दें। तेल पकने के बाद इसमें हम सारा मटेरियल डालेंगे, आपको दिखाएंगे और कितना डालना है ये भी बताएंगे आपको। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा हम पचफोरन डालेंगे। पचफोरन से क्या होता है, इससे सोनापन आता है, टेस्टी बनता है समोसा। 2 से 4 तेज़पत्ता डालेंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से पकने के बाद इसमें जो आप आधी हरा कच्चा मिर्च कूटे हुए थे इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छे से पकाएं, इसको अच्छे से लाल करना है कि आपका हरापन न रहे, अच्छे से पक जाए। इससे भी आपका समोसा बहुत टेस्टी बनेगा। इससे अच्छे से इसको एकदम पका लेना है। अब मूँगफली पसंद करते हैं तो थोड़ा मूँगफली भी डाल सकते हैं, बादाम का दाना। इसको भी अच्छे से भुंजा जाएगा, इसी में लाल हो जाएगा। आप मटर भी डाल सकते हैं, हरा मटर का सीजन है, मटर नहीं डालेंगे। इसको चलाते रहना है कि जले नहीं, अच्छे से लाल करना है, जलाना नहीं है, लाल करना है। अब लो फ्लेम कर ले, अच्छे से लाल होने के बाद इसमें डालेंगे हम मसाला। देख सकते हैं लाल हो चुका है मेरा, अच्छे से पक चुका है आदि और हरा मिर्चा। और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले धनिया गुंडी, 1 चम्मच धनिया गुंडी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से पकाएंगे। पकने के बाद आलू जो उबला हुआ है इसमें डालेंगे, फोड़ के इस तरह से फोड़ लेना है। इसको इस तरह से चलाते भी रहना है कि आपका मसाला जले नहीं, और बारी बारी करके सारा आलू फोड़ के डाल देना है। इसको अच्छे से आप चला ले। पहला सीक्रेट है, आप जितना अच्छा मसाला भूंजिएगा, आपका कढ़ाई छोड़ दे, उतना अच्छा आपका समोसा बनेगा, उतना टेस्टी बनेगा और मसाला का स्वाद भी अच्छा लगेगा खाने में। इसको अच्छे से भूंजना है, सबसे पहला सीक्रेट है।
अच्छे से आप देखें, कभी अक्सर आप देखते हैं कढ़ाई में चिपकता है, जब आपका कढ़ाई छोड़ दे मसाला आपका चिपके नहीं तो समझिए मसाला आपका भुंजा चुका है। हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा भुजने के बाद इसमें नमक नहीं डाले थे, हम नमक डालते हैं स्वाद अनुसार, नमक डाल ले इसमें और इसको अच्छे से लगभग 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भूंजे और इस तरह से कि आपका जो आलू समूचा है ढेला है वो अच्छे से चूर हो जाए, इस तरह से इसको चूर लें। देख सकते हैं आपका मसाला भुंजा चुका है, देख सकते हैं अब कढ़ाई में कहीं पे चिपकाव नहीं है और नहीं भुंजाएगा तो आपका कढ़ाई चिपकेगा, इससे अच्छे से भूनना है और थोड़ा सा 1-2 मिनट भून लें आपका मसाला तैयार हो जाएगा। आपका मसाला तैयार हो चुका है, अब हम आपको बताएंगे अच्छा खास्तादार समोसा किस तरह से बनाना है, मैदा किस तरह से गूंदना है बताएंगे। अब पहले हम मसाला निकाल लेते हैं, इसको ठंडाने देते हैं। सर 700 ग्राम मैदा है, 700 ग्राम मैदा ले ले आप 1 केजी ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो ले सकते हैं आप मैदा। हमने 700 ग्राम मैदा लिया है, थोड़ा सा जमाएं, हल्का ज़्यादा नहीं देना है जमाएं, हल्का जमाएं डालना है आपको। जमाएं डालने से क्या होगा, आपको जो नमकीन का जो स्वाद आता है इससे स्वाद टेस्ट और स्वाद खुल जाएगा आपका समोसे का, और स्वाद अनुसार नमक। दूसरा सीक्रेट आपको खास्ते के लिए करना क्या है कि परफेक्ट, आप जो देखते हैं अक्सर बाज़ार से समोसा लाते हैं तो अंदर कच्चा रहता है, गीलापन रहता है, मैदा का तरह ही कच्चा ही रह जाता है, इसलिए इसके लिए करना क्या है, मैदा आपको टाइट सानना और मोम हिसाब से देना है, नहीं कम नहीं ज़्यादा देना है मैदा। तो आप 700 ग्राम मैदा है तो उसमें देना है कितना मोम है, आप घी का भी डाल सकते हैं, रिफाइंड का भी डाल सकते हैं और अब डालडा भी डाल सकते हैं, वनस्पति डालडा, हम घी डाल रहे हैं। लगभग 700 ग्राम मैदा में 1 डब्बू घी हम डालेंगे, इससे आप टाइट सानना है। तीसरा सीक्रेट है कि इसको टाइट सानना है, आपको गीला नहीं करना है, एकदम हल्का पानी देना है और फिर ज़रूरत पड़ेगा तो आप पानी डालिएगा। मैदा बिल्कुल टाइट होना चाहिए, आपका बहुत खास्ता समोसा बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब बाज़ार जैसा परफेक्ट बनेगा आपका समोसा इस तरह से। और ज़्यादा इस तरह से गूंदना भी नहीं है, हल्के हाथ से गूंदना है कि मैदा आपका चिम्मर ना हो जाए, इस तरह से देख सकते हैं आप, इसी तरह से गूंदना है और बीच बीच में पानी लगेगा तो पानी डाल सकते हैं, जैसे जिस तरह से हम डाले पानी, एक बार ही हरा पानी नहीं डाल देना एक बार, और पानी लगेगा और डालेंगे इसमें हम हल्का, और इसको अच्छे से मिला लेना है, इसी तरह से गूंदना है आपको मैदा और टाइट गूंदना है, मुलायम नहीं, बिल्कुल नहीं मुलायम होना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं बाज़ार में कि मैदा का परथन लगा के, मैदा लगा के बेलता पट्टी बेल समोसा का, इसको बिल्कुल नहीं, बिना मैदा का ही पट्टी बेलेंगे हम, दिखाएंगे इस तरह से पूरा मैदा को गूंद लेना अच्छे से, कंप्लीट होते हुए दिखाएंगे आपको किस तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपका मैदा तैयार हो गया बताएंगे आपको। इस तरह से आप मिलाते रहे हल्के हाथ से, आपका मैदा गूंदा चुका है और आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपका परफेक्ट मैदा गूंदाया है, अब देख सकते हैं कहीं भी बर्तन में मैदा नहीं लगा हुआ है, पूरा तरह से साफ सुथरा है जिसमें गूंदे हैं। और इसको थोड़ा सा मुकिया के इस तरह से छोड़ देंगे लगभग आधा घंटा के लिए कि मैदा अच्छे से फूल जाए, तब हम आपका इसका गुल्ली काट के पट्टी बना के दिखाएंगे। अगला सीक्रेट है इसको छोड़ देना है, छोड़ना क्यों है, अक्सर आप सानते हैं तुरंत लोहिया करते हैं तो पट्टी आपका फटा हुआ नज़र आता है, इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप इसको छोड़ दीजिएगा अच्छे से लोहिया काट के, आप बेलिएगा कहीं पे आपका पट्टी नहीं फटेगा, एक समान बेलाएगा। लगभग आधा घंटा इसको छोड़ देते हैं कपड़ा से झाँप के भिंजा हुआ कपड़ा से कि ऊपर का सूख ना जाए, इस तरह से खुला हुआ रखेंगे तो मैदा आपका सूख जाएगा, तो कपड़ा भिंजा हुआ कपड़ा साफ़ कपड़ा से इसको ढक देना है। आधा घंटा हो चुका है, इसको हम हटा लेते हैं, इसका गुली काट लेते हैं एक साइज में और आपको पट्टी बेल के दिखाएंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। इस तरह से थोड़ा सा मलाड़ दे देते हैं,
और इसको इस तरह से काट लेना है, बीच से काट लेना है, काहे कि मैदा को ज़्यादा चिम्बर नहीं करना है। इस तरह से काटने के बाद हम एक एक को ले लिए, एक टुकड़ा अलग कर दिए। अब इसको एक साइज में आपको काट लेना है, इस साइज में देख लीजिए, इस तरह से सारा काट के इस तरह दबा के रख लेना है एक बर्तन में। देख सकते हैं सारा गुल्ली काट चुके हैं हम एक तरह से। अब इसको बेलते हुए दिखाएंगे आपको। अब हम बेलेंगे इस पर, देख लीजिए इस तरह से, या पाटा में बेल सकते हैं या तो आप जिसमें बेलना चाहते हैं आप बेल सकते हैं। मेरे पास इसमें हम बेलेंगे एक पत्थर है, और इस तरह से एक लोई ले ले इस तरह से दाब के, और इस तरह से बेलना है आपको। तो जिस आकार में जितना छोटा बड़ा रखना है उस साइज बेल सकते हैं। हम इस साइज में बेलेंगे, आपको दिखाएंगे समोसा का। आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं समोसा, जिस साइज में आपको बनाना है आप बना सकते हैं। हम ज़्यादा मीडियम बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं या ज़्यादा छोटा भी नहीं। इस तरह से बेलने के बाद इसको काट ले बीच से, आपका पट्टी तैयार हो चुका है। और एक के ऊपर एक रख के आप रख सकते हैं बेल के, इस तरह से चिपकेगा भी नहीं ये। और अब हम हमारा मसाला ठंडा चुका है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम काला नमक, हल्का हल्का गरम मसाला पाउडर, और आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अभी धनिया पत्ता का सीजन है, अब धनिया पत्ता बेस्ट है, थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे हम, इसको अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे हम। तो सारा मिलाने के बाद इसको भरते हुए दिखाएंगे किस तरह से भरना है। सारा मसाला मिला चुके हैं, अच्छे से मिल चुका है, अब इसको भरते हुए दिखाएंगे आपको किस तरह से भरना है। समोसा भरने के लिए एक बाउल में पानी ले लें, भरने के लिए एक पट्टी ले लें इस तरह से, इसको इस तरह से हल्का पानी लगाना है, और इस तरह से फोल्ड करके को इस तरह से मोड़ लेना है। अब मोड़ने के बाद अब मसाला में डालें इस तरह से, हल्का, ज़्यादा ठूस के ही नहीं भरना, हल्का हाथ से मसाला देना है। देख सकते हैं जिस तरह से हम डाल रहे हैं, इसको इस तरह से सारा पानी लगा के कि आपका सिंघाड़ा समोसा खुले नहीं। और अच्छे से नहीं लगाइएगा पानी तो आपका समोसा खुल जाएगा, तेल पूरा आपका ख़राब हो जाएगा, चूर हो जाएगा समोसा। इस तरह से इसको अच्छे से पानी लगा के इसको चिपकाना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से भरना दाबना ज़रूरी है। देख सकते हैं इस तरह से आपका समोसा नहीं खुलेगा, और अच्छे से दाबना ज़रूरी है। सबसे बात है तो दाबना ज़रूरी है कि कहीं से खुले नहीं, अच्छे हाथ से दाब के तो भरना है। इस तरह से जिस तरह से हमने भरे, जिस तरह से हम भरे हैं देख सकते हैं आप, सारा इसी तरह से भर लेना है आपको समोसा। हमारा समोसा तैयार हो चुका है, भरा हुआ, देख सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे, इस तरह से फ्राई करना आपको बताएंगे तरीका, कि आपका समोसा कच्चा ना हो और खस्तेदार हो। पाँचवा सीक्रेट को आपको किस तरह से समोसा सेकना है, और किस ताव में, कितना तेज ताव में सेकना है, और किस कितना ताव में आपको छोड़ना है समोसा। ताव देखिए एकदम मीडियम ताव में छोड़ना है कि आपका समोसा जले नहीं और अच्छे से सीखे भी या सीझे भी। देख सकते हैं इस ताव में छोड़ना है आपको, गुनगुना ताव में सारा समोसा जितना आता है इसमें छोड़ देना है। और जब तक ऊपर समोसा आपका आ ना जाए तब तक आप ताव का फ्लेम नहीं बढ़ाइएगा। जितना आपका कढ़ाई में समोसा आ जाए उतना आप छोड़ के सिझा सकते हैं, एक बार सारा नहीं डालना है। तेल जितना तेल है उसी अनुसार आपको समोसा डालना है इसमें, जितना तेल है उसी के अनुसार आपको समोसा डालना है इसमें, और अच्छे से धीमा ताव में सेकना है। और फ्लेम लो फ्लेम है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। जिस समय हम ब्राउन हो जाएगा तब ताव को बढ़ाएंगे फ्लेम को, तब निकालेंगे। इससे क्या होगा आपका
सिंह समोसा जो है आपका सूखा सूखा रहेगा और ज़्यादा चिपचिपा नहीं होगा आपका समोसा। सेकना है धीमा ताव में और निकालना है ताव फ्लेम तेज करके, ताव को तेज कर लेना है तब निकालना है इसको। इस तरह धीमी ताव में एकदम सेक लेना अच्छे से, इससे अच्छे से आपका शिकायत जो आता है कच्चा रह जाता है, कच्चा नहीं रहेगा। अब हम थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा लेंगे, काहे कि समोसा अब लगभग 1 से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। फिर ताव बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, जब निकालने से 1 मिनट से 2 मिनट पहले निकाल लेना। देख सकते हैं इस कलर हुआ, इस गोल्ड आपका हल्का बादामी कलर आ जाएगा, तो आप ताव बढ़ा सकते हैं कि अच्छे से पूरा ब्राउन हो जाए, बादामी हो जाए अच्छे से। तब इसको ताव बढ़ा के लगभग 2 मिनट के बाद इसको निकाल लेना। और ताव बढ़ाने के साथ साथ आपको करना क्या है, इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका कहीं पे लाल हो जाएगा, कहीं आपका सफ़ेद रहेगा। चलाना ज़रूरी है इस तरह से कि एक समान आपका कलर हो, एक तरह कलर हो। ऊपर नीचे करते रहना है ताव बढ़ाने के बाद। अब हमारा समोसा तैयार हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं परफेक्ट कलर है एकदम बादामी कलर, और इसमें चिपचिपा नहीं रहेगा। इस तरह से थोड़ा सा तेल चुला के निकाल लेना है सारा समोसा। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।